من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صلوات بر محمد وآل محمد حاضرین گرامی قدر محترم سامعین حضرات مجھے معلوم ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے آپ بسوں اور ٹرینوں اور دیگر وسائل سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے ہیں یہاں کے حاضر لوگوں میں شاید 1% بھی مجمع ایسا نہیں ہے جو یہاں کا اپنا ہو بہرحال آپ کوئی رات کے 3 بجے آیا ہے کوئی رات کے 4 بجے پہنچا ہے کوئی صبح 5 بجے پہنچا ہے بعض لوگ صبح نماز کے وقت پہنچے نماز پڑھ پڑھ کے جا کے لیٹے ہوئے تو یہ توقع کہ جو رات میں 2 بجے آیا ہے وہ 9 بجے کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے گا یہ بیجا ہے ہاں وہ آئیں گے جو رات میں 10 بجے 11 بجے میری طرح 8 بجے آ گئے تو میں رات میں 8:30 بجے آ گیا تو مجھے صبح 9 بجے مجلس پڑھنی ہے تو میں رات میں 8:30 بجے آ گیا کہ رات بھر یہاں سوؤں گا اور صبح اسے مجلس پڑھوں گا تو جو 9 بجے آ گئے تھے 8:30 بجے آ گئے تھے 10 بجے آ گئے تھے 11 بجے بھی تک بھی آ گئے تو وہ صبح 9 بجے کی مجلس میں آپ کو ملیں گے لیکن جو صبح 5 بجے آئے وہ صبح 9 بجے کی مجلس میں آپ کو نہیں ملیں گے اور مسئلہ بالائے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایک مجلس ہو تب تو آدمی کو یہ رہتا ہے کہ صاحب جلدی پہنچے ورنہ مجلس ختم ہو جائے گی یہاں تو کہتے ہیں ختم ہو جائے گی چلیے دوسری شروع ہو جائے گی صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد تو بہرحال
जहाँ भी लोग हैं, जिस हिसाब में भी बैठे हुए हैं, जहाँ भी आराम फरमा रहे हैं, वहां तक आवाजें पहुंच रही हैं, लोग सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मताले पहुंचेंगे। जो लोग हाजिर हैं वो फिलहाल मेरे लिए मुरीद गुफ्तगू हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आवाज जहां तक पहुंच रही है वहां तक तो जा ही रही है। परवरदिगार आलम ने सूरह अनफाल की दूसरी, तीसरी और चौथी आयत में मोमिनीन की पहचान बताई। क्या पहचान बताई है? इन्नमल मोमिनून लल्लदीना इदा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। मोमिन वो हैं कि जिनके सामने अगर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वालेकुम सलाम तशरीफ ला, अगर अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल खौफ खुदा से लरज उठते हैं। वजलत कुलूब व इदा तुलियत अलैहिम आयातो, और जब उनके लिए अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में इजाफा होने लगता है। अभी अर्ज करूंगा कि आयात की तिलावत कभी जबान से होती है, कभी अमल से होती है। इंशाल्लाह भी आगे तफसील में आपके सामने अर्ज करूंगा। वइदा तुलियत अलैहिम आयातो ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह की आयात की तिलावत उसके लिए की जाती है, मोमिन के लिए की जाती है, उनके आमाल में इजाफा होने लगता है। ये माइक वाले अगर इको थोड़ा सा कम कर दो भैया, ये वापस मुझे आ रही है आवाज। सलावत पढ़ दो मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ यही लोग सुन ले, दोबारा हम सुन के क्या करेंगे। सलावत पढ़ मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वइदा, अभी भी इको इसके, इको खत्म कर दो इसको। वइदा तुलियत अलैहिम आयातो ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है, इनके ईमान इजाफा होने लगते हैं। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ईमान में इजाफे का असर ये होता है कि ये अपने रब पर भरोसा करने लगते हैं। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा अल्लदीना, एक अल्लदीना से तीन तारीफें। अल्लदीना यानी जो, एक जो कहकर तीन तारीफें की अल्लाह ने, तीन डेफिनेशन बताई, तीन सिफतें बताई, तीन क्वालिटीज बताई मोमिन की। और तीन क्वालिटीज बताने के बाद अब अल्लाह फिर कहता है अल्लदीना। अब मैं बताऊंगा ये दोबारा अल्लदीना क्यों आया, अभी सुनते रहिए, तर्जुमा सुन लीजिए एक बार, उसके बाद आगे गुफ्तगू होगी। अलबत्त वक्त मेरे पास कम है, 45-50 मिनट का वक्त है, बस उसी में मैं आपके सामने बात को जितनी हो सकेगी पहुंचा दूंगा। अल्लदीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। दूसरे हिस्से में जो, पहले हिस्से में जो क्या करते हैं, जिनके खौफ, जिनके दिल खौफ खुदा से लरसते हैं, जिक्र खुदा से लरसते हैं, जब उनके सामने अल्लाह की तिलावत होती है उनके ईमान में इजाफा होता है। तीसरा, अपने खुदा पर भरोसा करते हैं। ये पहले हिस्से के जो में। दूसरे हिस्से के अल्लज़ीना जो में क्या है, युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वो नमाजों को कायम करते हैं और जो अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से दूसरों को भी देते हैं। मैं इन्फाक का इससे अच्छा तर्जुमा नहीं कर सकता था, ताकि बात आप तक पहुंच जाए आसान जबान में। जो अल्लाह ने उनको दिया, जो अल्लाह ने उनको दिया है वो उसमें से दूसरों को भी देते हैं, सब अपने लिए नहीं रखने लगे। उनको पता है कि जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो दस्तरखान अल्लाह ने हमें बिछाया है, इसकी सारी रोटी हमारे लिए नहीं है, इसकी चंद रोटियां किसी यतीम की हैं, चंद रोटियां किसी मिस्कीन की हैं, चंद रोटियां किसी मुसाफिर की हैं, चंद रोटियां किसी मेहमान की हैं, चंद रोटियां किसी अपने की हैं, किसी रिश्तेदार की हैं, किसी औलाद की है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले इमाम। وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، अब इसके बाद अल्लाह फिर ताईद करता है। उलाएकल मोमिनूना हक्का, उलाएका हुमुल मोमिनूना हक्का,
यहाँ दो ताकीदें हैं, एक हुम की ताकीद है और एक हक्का की ताकीद है। बेशक यही लोग सच्चे मोमिन हैं, बेशक यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उलाएका हुमुल मोमिनूना हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह के नजदीक दरजात हैं, यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह के नजदीक मगफिरत है, माफी है, जहन्नम से निजात है, मगफिरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए ही अल्लाह का करीम रिज़्क है। अब इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो यहाँ तक बात पहुंचेगी, वरना वो जो औसाफ अल्लाह ने बयान किए उसी पर बात जो है वो खत्म कर दूंगा, और अगर वक्त मिल गया तो रिज़्क़ुन करीम पे भी कुछ आपसे बात हो जाएगी। सलवात पढ़ दे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद का। अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए अल्लाह जिन्हें मोमिनीन कह रहा है, अल्लाह ने पांच सिफतें बयान की हैं। पांच सिफतों को अल्लाह ने दो हिस्सों में बांटा है, मैंने अभी अर्ज किया, एक अल्लदीना से तीन सिफतें और एक अल्लदीना से दो सिफतें, जो ये और जो ये और ये, पांच सिफतें। अब आप सुनिए, पहला अल्लदीना जो अल्लाह लाया है, उलमाए किराम यहां दूर दूर तक तशरीफ फरमाए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे गुस्ताखी की माफी के साथ। पहला अल्लदीना जो अल्लाह लाया है, जो पहला हिस्सा अल्लाह ने बयान किया है, वो सिफतें दाखिली हैं, बातिनी हैं, मानवी हैं, अपनी इस्लाह के लिए हैं, जिसका इस असर सिर्फ इंसान के अपने ऊपर है। पहले हिस्से देखिए, बात पूरी ऐसी होनी है किताब की तरह, जैसे क्लास में चैप्टर खोल के पढ़ा जाता है। अलबत्ता मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, टीचर कभी कभी किताब जो है बच्चे के हाथ में दे देता है और कहता है जाओ आगे और बैठ के पढ़ो ताकि सब लोग सुने। तो मैं उन बच्चों में से हूँ जिसके हाथ में आज किताब दे दी गई है कि जाओ आगे ऊपर बैठ के पढ़ो ताकि बाकी लोग सुने। मैं भी आपकी तरह इसी मकतबे हुसैनी का शागिर्द हूँ, मैं भी सुनने आया हूँ और आप भी सुनने आए। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं भी सीखने आया और आप भी सीखने हैं, दोनों सीख रहे हैं, टीचर कोई और है, उसने हमारे हाथ में किताब दे दी कि भैया जाओ चार बातें जो है वो इधर बयान कर दो। और हम जो है वो सजा वाले हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऊपर बैठे हैं और नीचे, जो जो लड़का ज्यादा बदमाशी करता है उसको सजा देके बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, हम लोग ज्यादा बदमाशी वाले ऊपर बैठा दिए जाते ताकि टीचर दूर से देखता रहे। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लदीना, तीन सिफतें अल्लाह ने बयान की जिसका ताल्लुक इंसान के बातिन से है, इंसान की मानवियत से है, इंसान के नफ्स से है। पहली सिफत है खौफ खुदा में लर्ज जाना, जिक्र खुदा आने के बाद दिलों का बेचैन हो जाना। अल्लदीना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, दिल बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। क्या वजह है दिल बेचैन हो जाने की, क्या वजह है कि परवरदिगार जब हमसे कह रहा है कि दिल बेचैन होगा तुम्हारा तब तुम साहिब ईमान होगे। देखिए बहुत आसान सी बात है, इंसान जब किसी ऐसे माशूक के सामने जाता है जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता है तो दिल घबराया हुआ होता है। अच्छा अजीब बात है, एक तरफ कहता है कि इज़ा ज़ुकिरा अल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम और दूसरी तरफ कहता है कि ये वो लोग हैं, एक तरफ तो कहता है इनके दिल बेचैन उठते हैं, दूसरी तरफ कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून जिक्र इलाही में है। माबूद एक फैसला कर दे आज मेरे लिए, तेरे जिक्र से बेचैनी आती है या सुकून मिलता है, एक फैसला कर दे मेरे लिए, ये जिक्र इलाही से बेचैनी आती है या सुकून मिलता है। अज़ीज़ो सुनिए, असल में बेचैनी की दो वजह है, बात पूरी पहुंचा दूं तो दुआ में याद रखिएगा, बेचैनी की दो वजह है। पहली वजह होती है उबूहत, जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसकी अजमत, जितना बड़ा जितनी बड़ी शख्सियत होगी आपकी बेचैनी उतनी ज्यादा होगी। आप एक दरोगा से मिलने जाइए,
बेचैनी अलग तरह की होगी। आप एक एसपी से मिलने जाइए, अलग बेचैनी होगी। आप डीएम से मिलने जाइए, अलग कैफियत होगी। आप चीफ मिनिस्टर से मिलने जाइए, अलग कैफियत होगी। लेकिन आप प्रधानमंत्री से मिलने जाइए, राष्ट्रपति से मिलने जाइए, तो आपकी कैफियत अलग होगी। आदिल मंजूर से मिलने आइए, अलग कैफियत होगी। हैं, इमाम जुमा से मिलने जाइए, अलग कैफियत होगी। मौलाना मशहूर उलमा जो सरबराह कौम और है लीडर है कौम के रहबर हैं, उनसे मिलने जाइए, दिल की बेचैनी का आलम अलग होगा। आगा सिस्तानी से मिलने जाइए, आगा खामनेई से मिलने जाइए, हसन नसरुल्लाह से मिलने जाइए, मुक्तदा सदर से मिलने जाइए, आपकी बेचैनी और आपके दिल का आलम अलग होगा। पहली वजह बेचैनी की खुदा नहीं है, बल्कि इंसान का अपने नफ्स पे कंट्रोल खो देना है। इंसान जब अपने से बड़े से मिलने जाता है तो फिर क्या होता है, इंसान का दिल बेचैन होने लगता है। शर्त यह है कि उसे बड़ा समझता हो, शर्त यह है कि उसे बड़ा समझता हो। अल्लाह ने पहले अपनी अकबरियत का ऐलान करवाया है, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। अब जब आप उसके सामने जाते हैं ना, तो अब आपका आलम यह होता है कि उस अकबर से मिलने जा रहे हैं जिसके मुकाबले कोई हाकिम नहीं है, उस अकबर से मिलने जा रहे हैं जिसके मुकाबले कोई राज़िक नहीं है, उस अकबर से मिलने जा रहे हैं जिसके सामने कोई आलिम नहीं है, उस अकबर से मिलने जा रहे हैं जो हमारे दिलों के राज को जानता है, उस अकबर को सुनने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा समीर है, उस अकबर से मिलने जा रहे हैं जो सबसे अजीम कलीम है, उस अकबर से मिलने जा रहे हैं जो सबको देखने वाला है, उस अकबर से मिलने जा रहे हैं जो दुनिया की हर शय पर कुदरत रखता है, हर काम पर कुदरत रखता है। वो पानी में पत्थर निकाल देता है, पत्थर से कीड़ा निकाल देता है, वो ऐसा राज़िक है जो उस कीड़े के मुंह में भी पत्ता दे देता है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जब ये अकबर आपके सामने होता है ना, ऐसा अकबर जिसके मुकाबले में फिर किबरियाई नहीं आती, कहीं से कोई बड़ाई जिसके सामने में बयान नहीं की जा सकती, जो अकेला है अपनी बड़ाई में। यानी आप सोचें कि अल्लाह के राजी होने का और किसी और के राजी होने का कोई मुकाबला है क्या? रब हमें, हर आदमी जो हमें पाले, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अना रब्बुल एबल, मैं ऊंटों का पालने वाला हूं, वलिल बैत रब, और घर का कोई और पालने वाला है। क्या अब्दुल मुत्तलिब की रुबूबियत में और खुदा की रुबूबियत में कोई मुकाबला है? नहीं, नहीं। क्या उसकी मालिकियत में और जमीन पर जो हमारा मालिक बना बैठा है उसमें कोई मुकाबला है? नहीं। क्या खुदा की जो हाकिमियत है और जमीन पर जो हाकिम बना बैठा है, दोनों की हाकिमियत में कोई ताल्लुक है? नहीं भाई। यहाँ का जुमला दे रहा हूं, इंशाल्लाह कदर करेंगे, यहाँ का जो हाकिम है वो हमारे वोटों का मोहताज है, वहां का जो हाकिम है हम उसकी सांसों के मोहताज है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या मुकाबला है दोनों की अकबरियत का, दोनों की हाकिमियत का, दोनों के इल्म का, दोनों की रज़ाकियत का, दोनों की रुबूबियत का, दोनों के सेमा का, दोनों के कदीर होने का, दोनों के सब कुछ जान लेने का? कोई मुकाबला नहीं। वो जो हाकिम, तो पहली उबूहत यहां से आती है, पहली अजमत यहां से आती है कि आप को ये एहसास हो जाता है कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो अजीम है। अच्छा, इत्मीनान कहां से आता है? मैंने दोनों बात अभी आपके सामने हल कर दूंगा। यहां वजलत, जोकेरा से वजलत, जहां जिक्र, अल्लाह के जिक्र की बात हुई, दिल कांपने लगा, लरस लगा, अल्लाह अल्लाह के सामने जा रहे हैं, अल्लाह के सामने जा रहे हैं। अच्छा, अब जब सामने पहुंच गए, किसी बड़े आदमी के सामने आप चले जाइए, वो दो मिनट आपसे गुफ्तगू कर ले,
उसके बाद वो थोड़ा सा हंसी मजाक कर ले आपसे, थोड़ा सा गुफ्तगू में जो है वो चाशनी आ जाए, उसके बाद देखिए आप रिलैक्स होना शुरू होते हैं, दिल को क्या होता है आराम मिलना शुरू होता है। अच्छा वो खास तौर से कोई अपना हो तो काश बात पहुंच गई होती, वो खास तौर से कोई अपना हो तो पहले तो गए थे चचा डीएम बन गए हैं, पहले गए तो बड़ी घबराहट हो रही थी, चचा है डीएम है, चचा है डीएम है, अब वहां गए उन्होंने बेटा कह के गले लगा लिया है? उस उबूहत और उस अजमत और उस वजलत के बाद इत्मीनान मिला के नहीं मिला है? अरे अरे आप क्यों घबराते भाई, हम तो आपके साथ हैं, एमपी एमएलए डीएम किसी से मिलने के लिए गए किसी काम के लिए, पहले तो घबरा रहे थे, अब जब बात शुरू हुई, अरे आप क्यों घबराते भाई, हम तो आपके साथ हैं, आपके अपने हैं, जैसे उसने कहा हम आपके अपने हैं, इत्मीनान आना शुरू हुआ, और अपनाइयत जितनी बढ़ेगी इत्मीनान उतना ज्यादा होगा। काश बात पहुंच जाए, इत्मीनान जितनी अपनाइयत बढ़ेगी, जितना ये ख्याल दिल में बढ़ेगा कि ये मेरा अपना है, ये मेरा खास है, इससे मेरा ताल्लुक है, इससे मेरा नाता है, उतनी उतनी परेशानियों में, वजलत में, बेचैनी में, बेकरारी में कमी आएगी, इत्मीनान उतना बढ़ेगा। ए अजीजों, ये अपनाइयत की कैफियत सिर्फ आपके लिए नहीं है, अंबिया के लिए भी है, अइम्मा के लिए भी है। जनाबे नूह, जनाबे नूह परेशान है, तबलीग कर रहे हैं कोई हिदायत नहीं पा रहा है, लोग आते हैं पत्थर मार के चले जाते हैं, लोग आते हैं दीवाना कह के चले जाते हैं, खाक है हम जैसे मुबल्लिगीन पर, जो एक वक्त दो वक्त के सूखे रूखे पे तबलीग करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, खाक है हमारे ऊपर, वाकयन जो मुबल्लिग है ना पूरी कौम नूह की मुखालिफ है, पूरी कौम हजरत नूह की मुखालिफ है, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, दीवाना कह रहे हैं, 900 साल जनाब नूह ने तबलीग, तबलीग 900 साल, हम 9 दिन नहीं कर पाते, 9 घंटे ये वो कैफियत बर्दाश्त, किसी बस्ती में जाऊं मैं 9 घंटे के लिए नहीं साहब, अगर 90 मिनट के लिए मैं किसी बस्ती में जाऊं और उतरते ही लोग कहेंगे ये दीवाना आ गया, ये दीवाना आ गया, ये देखो पागल आ गया, ये क्या बात करेगा, कौन इसकी बात सुनेगा, लो पत्थर मारो, क्या मेरे अंदर वहां इतनी हिम्मत है कि मैं खड़े होकर कहूं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह है? उसके बाद हम क्या करते हैं, अंबिया इकराम का मुकाबला शुरू कर देते हैं, कभी हजरत अब्बास से, कभी जो है वो उनके घोड़े से नऊज़ बिल्लाह, कभी जो है वो किसी से बैठकर जो है उनका मुकाबला। अंबिया इकराम चुनिंदा लोगों में से हैं, बरगुजीदा लोगों में से हैं, अल्लाह के खास लोगों में से हैं। अंबिया इकराम की तौहीन खुदा ना खास्ता इंसान को काफिर बना देती है, जहन्नम के दहाने पे पहुंचा देती है। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अंबिया इकराम जनाबे नूह कश्ती पर, जनाबे नूह ने तबलीग की, जब 900 साल तक कोई नहीं सुधरा, अल्लाह के सामने कहा या अल्लाह ये उम्मत नहीं सुधर रही है, अच्छा ठीक है इसे डुबा देता हूँ, इसे डुबा देता हूँ, ठीक है अल्लाह डुबा दे, का नहीं डुबाऊंगा बाद में, निजात का इंतजाम पहले करो, तूफान बाद में आएगा, परेशानियां बाद में आएंगी, निजात का इंतजाम पहले करो, या अल्लाह निजात का इंतजाम करूंगा तब भी तो दीवाना ही कहेंगे, तब भी तो मुझे परेशान ही रखेंगे। फौरन अल्लाह ने कहा वसनाइल फुलका बे आयोनना, ए नूह मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ। अब जैसे ही अल्लाह ने कहा मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ, बस नूह को ताकत मिल गई, अब दुनिया मुखालिफ हो तो क्या होता है, मेरा खुदा देख रहा है वो मेरा अपना है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद,
वरना रेत में कश्ती बनाना तो वाकई दीवानों का काम है। लेकिन जनाब नूह को पता था कि मैं जो कर रहा हूं वो हकीम ने कहा था और अलीम ने कहा था। हकीम का तकाजा यह है कि काम फालतू नहीं कराता और अलीम होने का तकाजा यह है कि उसे पता है कि इस रेत में कश्ती बनाने का क्या फायदा है। तो ये अपनाइयत इत्मीनान देती है। जैसे ही आप अल्लाह से अपने हो जाते हैं ना, अल्लाह के करीब हो जाते हैं, आपको इत्मीनान आना शुरू हो जाता है। आप देखें मसाइब के गोशे से एक फजाइल निकाल के ले जा रहा हूं, इंशाल्लाह कदर करेंगे। शबे 19 में अमीर अल मोमिनीन की बेचैनी क्या है? शबे 19 में बेचैनी देखें, तारीख उठाकर देखें, कभी घर में, कभी आंगन में, कभी हुजरे में, कभी आंगन में, बेचैन है रात भर सहने खाना में, कभी घर में, कभी सहने खाना में। बेटी आके पूछती, बाबा क्या बात है, आपको तो किसी जंग पर जाते देखा तो इतना बेचैन नहीं देखा। नहीं, आज मैं अपने परवरदिगार से मिलने की तैयारी कर रहा हूं। हैं? बेचैनी देखें। अच्छा, जरबत लगने के बाद कोई बेचैनी दिखाए? काश बात पहुंच गई होती। जरबत लगने के बाद कोई बेचैनी दिखाए? कोई कहे कि अली ने सर को पकड़ के कहा हो, हाय मैं मर गया, हाय मुझे चोट लग गई, हाय मेरा सर फट गया, कोई कहे? नहीं, जैसे जब तक जरबत नहीं लगी थी, जब तक मस्जिद में नहीं पहुंचे थे, सजदे में सर को नहीं रखा था, बेचैनी थी, खौफ था, लेकिन जैसे ही सजदे में सर को रखकर सुभाना रब्बी अल आला व बिहम्दे कहा, अल्लाह की सुभानियत का इकरार किया और तेज काबा कह के बताया, इसके पहले बेचैन था लेकिन अब मुतमईन हूं, सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले बाप। पहले बेचैन था लेकिन अब मुतमईन। जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अपनाइयत का एहसास हो जाएगा, इत्मीनान आने लगेगा, दिल को सुकून मिलने लगेगा। दूसरी सिफत जो मानवी है, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ा दो वरना रह जाएगी, वो है तकामुले ईमान। ईमान, माजरा चाहता हूं, वो उसके हिस्से की दूसरी हिस्से पहले सुन लीजिए। वजलत की दो वजह बताई मैंने। पहली वजह यह है कि इंसान जिसके सामने जा रहा है उसकी अजमत से बढ़ता है। और शायद चाहे मजलिस इसी पे खत्म हो जाए, बात इसी पे खत्म कर दूंगा अगर खत्म हो गई। आप मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरी चीज जो इंसान के दिल को हिला कर रखती है, खौफजदा करके रखती है, वो है एहसास मसूलियत, जिम्मेदारी का एहसास और उसमें कोताही। यहां हमारे जवान बच्चे बैठे हुए हैं जो ऑफिसेज में जॉब करते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई काम पूरा ना हुआ हो और बॉस ने उसकी रिपोर्ट मांग ली हो, फोन आ जाए आधे घंटे में, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। बॉस हैं? बॉस यानी मालिक, मालिक आपसे आधे घंटे में मिलना चाहते हैं। अब बताइए, अगर रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो परेशान है या नहीं है? अच्छा, जिसका काम पूरा है वो रिलैक्स। वो बच्चा जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है, इम्तिहान के दो दिन पहले बेचैन है कि नहीं है? अलबत्ता शर्त यह, एहसास मसूलियत हो, उसे यह एहसास हो कि मुझे इम्तिहान में बैठना है और पास होना है, जिसे परवाह ही ना हो कि इम्तिहान में बैठे या ना बैठे, पास हो या ना हो, किसी और ही नशे में हो। अब मैं जुमला कह के जा रहा हूं समाना में तमाम तर सामेईन के लिए, जो यहां से वहां तक सुन रहे हैं वो सुन लें। एहसास मसूलियत होगी तो परेशान होंगे, जिम्मेदारी का एहसास होगा, नतीजे की परवाह होगी तो परेशान होंगे,
और अगर नतीजे की परवाह नहीं होगी तो परेशान नहीं होंगे। कौम में बेहिसी इसलिए नहीं आई है कि कौम बेहिस है, बल्कि कौम में बेहिसी इसीलिए आ गई है क्योंकि हमने इसके नतीजों को आजाद कर दिया। कुछ कर लो तो आंसू बहा लो, तुम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। थोड़ा सा मातम कर लो, तुम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। थोड़ा सा जिक्र कर लो, तुम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। जो नतीजा था वहां हमने इतना आसान बना दिया कि अब कौम को न इम्तिहान की परवाह है न नतीजे की परवाह है। सलात तो है मिलके मोहम्मद वाले वाह। क्या परवाह है, क्या जरूरत है, मुझे बताइए क्या जरूरत है सुबह से शाम तक मेहनत करने की, जब दो बार या हुसैन करने से जन्नत मिल जाएगी। क्या जरूरत है अगर दो बार दस्त मातम करना बहुत अच्छी बात है, जिक्र हुसैन करना बहुत अच्छी बात है, इमाम हुसैन के गम में रोना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब अच्छी बात है जब हुसैनी हो। एहसास है मसूलियत, बात पूछ पूरी करके जाता हूं, अगर हुसैनी नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं इस अमल का। अगर एहसास मसूलियत नहीं है, अगर क्या मतलब है कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए जीनत का बायस बनो जिल्लत का बायस न बनो। मौला आपके लिए जिल्लत के बायस हम कैसे बन सकते हैं, हम तो दो बार या हुसैन कहेंगे और हम बख्श दिए जाएंगे, आपके लिए इज्जत का बायस हो जाएंगे। अमा कयामत जुमले ले जाइए, इंशाल्लाह कदर करेंगे जुमलों की। कयामत की सिफतों में से एक सिफत है यौमा तुबला सरायर, यानी वो दिन जिस दिन सारे राज आश्कार हो जाएंगे। अब आप तसव्वुर करें, एक अली का शिया उठाया जा रहा है, एक हुसैन का मातमदार उठाया जा रहा है, हुसैन खड़े देख रहे हैं, उसके गर्दन पे झूठ लदा हुआ है, उसके गर्दन पे चोरी लदी हुई है, उसके गर्दन पे बेईमानी लदी हुई है, उसके गर्दन पे हक्कुल्लाह लदा हुआ है, उसके गर्दन पे हक्कुल्लबाद लदा हुआ है। जब ऐसा आदमी अली के सामने आएगा तो क्या अली जैसा वजीफा शनास उसे अपना कहेगा या पराया कहेगा? सलावत बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखा आपने, सलावत हल्की हो गई, बात अमल की आ गई ना। एक मिलजुल कर अजमत हैदर कर्रार पर बुलंदतर सलावत, एहसास मसूलियत तीसरी चीज। बस बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अगर जिम्मेदारी का एहसास होगा तो आदमी परेशान रहेगा, और उस जिम्मेदारी के एहसास में अगर काम की चोरी हुई होगी तो परेशान रहेगा। काम चोर परेशान रहता है, जो काम कर जाता है वो परेशान नहीं रहता, उसकी बेचैनी नहीं होती। वो क्यों बेचैन रहेगा, उसकी तो रिपोर्ट पूरी है। अल्लाह ने कहा था पांच बार नमाज पढ़ो, पांच बार नमाज पढ़ के आ रहा है। अल्लाह ने कहा था मोमिनीन का ख्याल रखना, वो मोमिनीन का ख्याल रख के आ रहा है। अल्लाह ने कहा था कि रात को खाना खाना तो 40 घर तक देख लेना, वो 40 घर तक देख कर आ रहा है, उसे क्या परेशानी। अल्लाह का रसूल कह के गया था, मन असबहा वलम यहतम बे उमूर मुस्लिम फलैसा बे मुस्लिम, जो सुबह करे और मुसलमानों के हालात के बारे में न सोचे वो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमानों के हालात के बारे में सोच के जा रहा है वो मुतमईन है, जो नहीं सोच रहा है वो परेशान है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने इमाम हसन इमाम हुसैन को वसीयत करते हुए कहा था, कूना लिज़ालिमीन खस्मा वलिल मज़लूम आउना, ज़ालिमीन के लिए दुश्मन हो जाओ, नाराज रहना ज़ालिमीन से, कभी उनसे इकरार ना, कभी उनके लिए राजी मत होना। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अपनी एक दुआ में सईफ़े सज्जादिया में फरमाते हैं कि मौला मेरे आका मेरे सैयदो सरदार मेरे खुदाया, मुझे इस बात पर बख्श दे कि लोगों पर जुल्म होता रहा और मैं कुछ कर नहीं पाया। ये बड़ा जुमला है, हमें उन गुनाहों के लिए बख्श दे जहां जालिम अपने पूरे आबो ताब और रोब के साथ मजलूमों को परेशान कर रहा है, उसका पानी बंद कर रहा है, उनको सता रहा है, उनको मार रहा है, उनके बच्चों को मार रहा है, हम देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे।
हमारे हाथ बंधे। मौला फरमा, आज हम पर भी लाजिम है कि हम वो दुआ पढ़ा करें, बार बार पढ़ा करें। परवरदिगारा हमें इस आलम में माफ कर दे कि हम लोगों पर होते हुए जुल्म देख रहे हैं और हम कुछ कह नहीं पा, नाम नहीं ले पा रहे। इतने स्ट्रिक्ट मसले हैं, ये नाम नहीं ले पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे। लेकिन मिंबरे हुसैन गवाह है, मिंबरे रसूल गवाह है, हम जालिम की हुकूमतों से न कल राजी थे न आज राजी हैं। हम न करबला में यजीदियों से राजी थे और न हम आज किसी भी जमीन पे किसी भी जुल्म करने वाले और किसी भी यजीदी से राजी हैं। हम कल भी अली असगर के कातिल के खिलाफ थे, हम आज भी बच्चों के कातिल के खिलाफ है। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एहसास मसूलियत, एहसास मसूलियत। तीसरी और मानवी कैफियत क्या है? वो है तवक्कुल, अपने खुदा पर भरोसा। तीसरी और अपने को सुधारने की जो कैफियत है वो क्या है? तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, इनको अपने खुदा पर भरोसा होता है और सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा होता है। ये दूसरों पे भरोसा नहीं करते, दूसरों को वसीला समझते हैं। हैं? आपको नहाने जाना है, एक डब्बुक चाहिए आपको नहाने के लिए, एक जग चाहिए, मग चाहिए। आप दो कैफियत हो सकती है, आप एक तो ये समझ लें कि यही जग मेरे नहाने का सब कुछ है, एक मरता नहीं, ये जग एक वसीला है। ये नहीं होगा, कोई दूसरा आएगा, ये नहीं होगा, कोई तीसरा आएगा, बाजार से चौथा आएगा, लाल है, नीला आएगा, पीला है, हरा आएगा, काला है, सफेद आएगा, कोई ना कोई आएगा। लोगों पर भरोसा करने में और खुदा पे भरोसा करने में यही फर्क है। जब आप खुदा पे भरोसा करें तो ये सोच के करें कि जो है वो यही है, और जब इंसानों पर और दुनियावी चीजों पर भरोसा करें तो समझ लें कि ये खुदा का भेजा हुआ वसीला है। ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा, काम उसे बनाना है, मुझे उससे तवक्कुल चाहिए। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं जल्दी जल्दी बात को खत्म कर रहा हूं, 5 से 7 मिनट और मेरे पास बचे हुए हैं। तीसरी चीज, दूसरा हिस्सा, पहले हिस्से में जो 3 सिफतें बताई वो अपने दाखली के लिए, अपने मानवियत के लिए, अपने सिस्टम को सही करने के लिए। 2 चीजें जो अल्लाह ने बताई हैं वो दूसरे हिस्से में, अल्लज़ीना, वो क्या है? वो है खारजी, वो अमल है आज़ाओ जवारे से, हाथों पैर से अमल, माशरे में अमल, लोगों के साथ अमल। क्या है वो? 2 सिफतें हैं। पहला है अस्सलात, दूसरा है इन्फाक। पहले हिस्से में अल्लाह ने क्या कहा? युकीमून सलात, अल्लज़ीना युकीमून सलात, ये वो है जो नमाजों को कायम करते हैं, ये वो है जो नमाजें पढ़ते हैं और नमाजें पढ़वाते हैं। कायम, दोनों कायम के लिए दोनों चीजें आती हैं, सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। मौलाना मैं तो घर में पढ़ लेता हूं, मैं तो, मेरे तो घर में आप आके देखिए मुसल्ला बिछा हुआ है, नमाजें जब से लेकर नमाजें ईशा तक सब उसी पर सुबह से शाम तक रहता हूं, मैं पढ़ा करता हूं। नहीं, मर्द की जिम्मेदारी 2 है, पढ़े भी और पढ़वाए भी। पढ़ने के लिए जरूरी है कि खुद खड़ा हो, पढ़वाने के लिए जरूरी है कि यामरूना बिल मारूफ पर अमल करते हुए लोगों से कहे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते। कहते मौलाना फर्क क्या पड़ता है, बस ये सुनिए और बात खत्म करूं। दूसरा हिस्सा भी बयान कर दूं, दूसरा हिस्सा है और खल्क खुदा से मोहब्बत, खल्क खुदा से इंसाफ। ठीक है, ये दोनों जो है वो नमूना है इबादत के लिए, तमाम इबादतों के लिए जो नमूना बयान हुआ है वो नमाज है, और खिदमत खल्क के लिए जो नमूना बयान हुआ है वो इंसाफ है। ठीक है, इससे मुराद तमाम इबादतें। लेकिन अब सुनिए, कहते मौलाना कहने से फर्क क्या पड़ता है, बस इसी पे बात खत्म कर दूंगा मसाइब की तरफ। कहते मौलाना कहने से क्या फर्क पड़ता है, आज तो हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, कोई किसी से राबता नहीं रखता। 2 बार कहूंगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तीसरी बार तो कहेगा तुमसे क्या मतलब, है ना, यही परेशानी है ना भाई।
अमर बिल मारूफ करने की ही तो परेशानी है। क्या मौलाना दो बार मना करूंगा भाई, यहाँ क्यों भीड़ लगाते हो नमाज के वक्त? ये औरत मर्द यहाँ मखलूत क्यों हो रहे हैं? मैं मना करूंगा अभी टोक देंगे मुझे, आपसे क्या मतलब, हम तो ज्यारत के लिए आए हैं। ज्यारत के लिए हराम हलाल थोड़ी हो जाता है, ज्यारत के लिए हराम हलाल थोड़ी हो जाता है। औरतों का बाल दिखना हराम है, हराम है, वो घर के अंदर भी हराम है, रोड पर भी हराम है, शादी में भी हराम है, रोजे में भी हराम है। मर्दों का औरतों के बीच में जाकर बैठना हराम है, तो वो फूफी फूफी फूफीजाद बहन के बगल में भी बैठना हराम है, खालाजाद बहन के पास भी बैठना हराम है, होटल में भी बैठना हराम है, रेस्टोरेंट में बैठना हराम है, दावत में बैठना हराम, मैयत में भी बैठना हराम, रोजों में भी बैठना हराम, गाड़ी में भी, जहां हराम है सो हराम है। शरीयत मोहम्मद में जो मोहम्मद दे कर गए उसे कोई हराम नहीं कर सकता, जिसे मोहम्मद हराम करके गए उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। सलावत पर मोहम्मद वाले मां बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। क्या फर्क पड़ता है कि आप कहां पर हैं? और ऐसी जगहों पे तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ऐसी जगहों पर ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि लूंगा 5-7 मिनट, मैं मुंतजमी से माफी चाहता हूं, बड़े अहम मोड़ पर आ गया हूं, 5-7 मिनट शायद आपका एक्स्ट्रा ले लूंगा, ज्यादा से ज्यादा। एक जोड़ा है जिसमें औरत मोमिना है, औरतें आमतौर से मोमिना होती हैं, दीन का दारोमदार आप देख लीजिए औरतों पे टिका है। मैं बड़े पाबंदी से बात कह रहा हूं, बड़े ही जिम्मेदारी से। आप अपने मोहल्ले में गांव में जोड़ लीजिएगा, मुहर्रम में आप कितनी मजलिसें करती हैं, औरत कितनी मजलिस करती है, और आप मजलिस करते हैं तो उसके बाद घर आके टांग पसार के ऐसे बैठ जाते हैं, अरे जरा पानी पिलाओ मजलिस से आया। औरत मजलिस में भी आपसे ज्यादा जाती है, घर पे आकर खाना भी पकाती है, आपके सामने खिदमत भी करती है, आपका ख्याल भी रखती है, आपके पहले जागती है, आपके बाद सोती है। ऐसा नहीं है कि औरतों की खिदमत कम है, नहीं, बिल्कुल औरतों की खिदमत बहुत है। औरत मोमना है, मर्द थोड़ा सा बेदीन है। सुनिए लुत्फ आ जाएगा आपको, मर्द बेदीन है, शादी होने वाली है दोनों की, दोनों की शादी हो, पहले निकाह पहले हो चुका है, अब रुखसती होने वाली है कुछ दिन बाद। ये कहती है कि भाई हम सबको कार्ड दे रहे हैं, तो चलो जमकरान चलें, और वो अरीजे वाले कुएं में इमाम को भी एक कार्ड देकर आएंगे, इमाम को भी बुलाएंगे, दुनिया भर के लोगों को बुला रहे हैं तो इमाम को क्यों ना बुलाएं। अच्छा हमारे यहां भी है, हम पहला कार्ड मस्जिद में रख के आते हैं अल्लाह मियां को बुलाने के लिए। अल्लाह मियां ने जिसको खिलाने के लिए क्या उसको नहीं बुलाते? जिस गरीब को बुलाना चाहिए उसको नहीं बुलाते? जिस मिस्कीन को बुलाना चाहिए उसे नहीं बुलाते? जिसे अल्लाह ने बुलाने के लिए कहा उसे तो देख ले, तुम क्या करने आ गए? तुम्हें दावत दी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे होने की? लेकिन अल्लाह के लिए एक कार्ड जरूर रख के आते हैं, आप जरूर आइएगा अल्लाह मियां, एक कार्ड मस्जिद में रख के आते हैं, एक कार्ड जो दरगाह में रख के आते हैं, मौला आप आइएगा, एक कार्ड जो है वो रोजे में रख के आएंगे, मौला आप भी आइएगा, सबको इनविटेशन, मौला अब्बास, मौला इमाम अली, मौला, उन्होंने भी कहा कि हम एक कार्ड जो है इमाम ज़माना में देखेंगे। अच्छा इमाम ज़माना तो आ सकते हैं, क्या मसला है? बाकी के लिए तो मौत हाजिब है, लेकिन हमारे जो आखिरी इमाम है वो तो जिंदा है, हमारे दरमियान उनको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, क्या परेशानी, वो आ सकते हैं। कार्ड देकर आए, शादी गुजर गई, मिक्स गैदरिंग जो आजकल का आलम है, जनो मर्द सब आपस में मखलूत, कुछ यहाँ बैठे कुछ वहां बैठे, बातें कर रहे हैं बेहिजाबी, किसी का बाल यहाँ से दिख रहा है, किसी का यहाँ से दिख रहा है, कुछ कुछ जो है मेकअपों में चूर हैं, कुछ मर्द जो है वो औरतों के साथ मिले हुए बैठे हुए हैं, सब आपस में गप्पे शड़ाका चल रही है। शादी खत्म, शादी यानी शैतान का घर, शादी का आलम इस वक्त हमारे यहाँ ये है, शैतान का घर। वक्त होता तो बहुत बात करता मैं इस पर, वक्त नहीं मेरे पास, लेकिन बस एक इशारा कर दिया आपको। उसके बाद जो है वो वक्त गुजरा, 2 से 3 दिन बाद उस मर्द ने उस औरत से चुटकी लेते हुए कहा, मजाक करते हुए, मजाक करते हुए, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारे इमाम नहीं आए? सुने जवान बच्चे जो यहां बैठे हुए हैं, जो अपने इमाम से मिलना चाहते हैं, जो अपने इमाम से मुलाकात करना चाहते हैं, मेरी माए बहने और मेरे जवान बच्चे, मेरे जवान भाई, क्या हुआ भाई तुम्हारे इमाम नहीं आए? इसका दिल बड़ा, औरत का दिल बड़ा गमगीन, भाई मेरा इमाम नहीं आया, काश आ जाता, इस मर्द का मुंह बंद हो जाता।
ये मर्द रात में सोया, एहसास करें मेरे जुमलों पे, खास तवज्जो चाहता हूं, अपनी इधर उधर न देखें, बड़े मुहिम मसले पर। मर्द रात में सोया, रात में इमाम को ख्वाब में देखता है, इमाम आए, आके कहने लगे कि भाई तूने अपनी जौजा को ताना दिया है कि उसका इमाम आया नहीं। कहते हाँ कहाँ आया इमाम, कहाँ आए? कहने लगे किसने कहा, मैं तो आया था, काश बात पहुंच जाए। किसने कहा मैं तो आया था, लेकिन कसम खा के बता क्या तेरी शादी का मजमा इस काबिल था कि मैं उसमें आ सकता। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या तुम्हारी बज्म गुनाहों से पाक थी कि मैं उसमें आ सकता? क्या उसमें आ सकता था? नहीं। ए अजीजों, अपनी वजीफे, अपने वजीफों को पहचानिए, और जिस दिन वजीफे पहचानने लगेंगे ना आप, तो जब अल्लाह की निशानियां सामने आने लगेंगी तो फिर परेशान नहीं होंगे। इम्तिहान होने लगेगा तो परेशान नहीं होंगे, ईमान में इजाफा होने लगेगा। बस खत्म हुए, तशरीफ लाए। आपके ईमान में इजाफा होने लगेगा, फिर आप परेशान नहीं होंगे, फिर मुश्किलात में बेचैन नहीं होंगे, फिर सुकून रहेगा दिल को, क्योंकि जिसके लिए कर रहा हूं वो तो देख रहा है ना। जनाबे ज़ैनब जब दरबार में पहुंची तो हाकिम ने कहा कि तूने अपने खुदा को कैसा पाया, देख के तेरे खुदा ने तुझे रुसवा कर दिया। नाउज़ु बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जनाबे ज़ैनब का जुमला सुनेंगे, हमारे यहाँ कोई एक मर जाता है ना, हाँ हमारे यहाँ कोई एक मर जाता है तो हम वावेला कर देते हैं, हाय अब्बा गुजर गए, हाय अम्मा गुजर गई, हाय भाई मर गया, हाय बेटा चला गया, हाय मैं क्या करूं, मेरी दुनिया तारीख हो गई। सुनिए ज़ैनब, 72 जनाजे देखने के बाद, जले हुए खैमे देखने के बाद, असीरी झेलने के बाद, हाथों को बंधवाने के बाद क्या जुमला कहती है, वमा रायतुहु इल्ला जमीला, मैंने खुदा से जो देखा है वो खूबसूरती। मैंने खुदा से जो देखा है वो अच्छा ही। ऐसी जो झूठ बोलता है वो खतीब, जो ये कहता है कि जब अब्बास ने खैमे दरिया के किनारे से उखाड़े तो बेचैन थे, परेशान थे। उठाकर पढ़िए तारीख, तारीख कहती है कि जनाबे अब्बास जिन हौसलों से खैमे गाड़ रहे थे उन्हीं हौसी हौसले से खैमे उखाड़ भी रहे थे, क्योंकि लगाने का हुक्म भी हुसैन का था, उखाड़ने का हुक्म भी हुसैन। लेकिन तारीख ने एक वाकया लिखा है यहां पर, वो सुने और बस खत्म करूंगा मजलिस। तारीख कहती है जनाब अब्बास खैमे उखाड़ने के बाद जानुओं में सर देकर बैठे हुए थे, यानी सर झुकाकर बैठे हुए थे। जनाब ज़ैनब नजदीक आई, सर पे हाथ रखे, भाई बेचैन क्यों? ए भाई खैमों का उखाड़ना बुरा लगा है क्या? ए भाई खैमों का उखाड़ना परेशान कर रहा है क्या? एक मर्तबा अब्बास ने रोते हुए चेहरे को ज़ैनब की तरफ किया, ए बहन वो तो हुसैन का हुक्म था, इसलिए नहीं परेशान हूँ, बस इसलिए परेशान हूँ कि मेरे रहते मेरा हुसैन अकेला हो गया। अज़ीज़ों, बस जो जुमले तीन जुमले रिवायत मसाहब के सुने और बस खत्म करता हूं मजलिस। एक साहब मुझसे कहने लगे, भाई इमाम जनाब अब्बास की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो कमर बनी हाशिम है। मैंने कहा नहीं भाई, इस घर में तो एक से एक आफ्ताब है, एक से एक महताब है, किसी का कुछ लकब है, किसी का कुछ लकब है, इस घर में तो ऐसे ऐसे है जो नकाब लगा के चलते हैं। उसी मुबारका का वाकया जाकर पढ़ो। ए भाई अब्बास की ये सिफत जरूर है लेकिन सबसे बड़ी सिफत नहीं है, अब्बास की सबसे बड़ी सिफत यह है कि जब अब्बास तराई पर घोड़े से आए, हुसैन अपनी कमर पकड़ के कहे अला नाइन का सरा जहरी, ए अब्बास तुम्हारे
मरने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास का कमाल ये है कि हुसैन कहे ए अब्बास एक बार मुझे भाई कह दो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रजन बेकजाही व तस्लीम अल-अमरे सियालम अल्लज़ीन ज़लमू यमन क़ल्बिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।